कि जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं, खासतौर पे ओपन प्लॉट्स जो लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, उस पर हम उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं एक डीमिंग प्रोविजन के ज़रिए, ताकि उन प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन हो और जब तक इन्वेस्टर ने उस प्लॉट को रखा हुआ है तो वो फिर इफ़ेक्टिव रेट 1% उसकी FBR वैल्यू के ऊपर जो है वो टैक्स देगा। इससे इसमें हमने एक और चैनलाइज ये किया है कि हमने मकसद आइडिया यही है कि आपके जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनको आप टैक्स करें। अभी मैं आप एग्जांपल देके समझाएं, यहाँ ज़्यादा बेहतर। एक प्लॉट है, पहली बात तो ये है कि एक घर या एक प्रॉपर्टी आप उस पर एग्जम्पशन लेंगे, उसके अलावा जो एक्सेस प्रॉपर्टी है उस पर भी 25 मिलियन के आप एग्जम्पशन लेंगे। ये जो एग्जम्पशन है ये FBR वैल्यूज पे होगी। अब फर्ज किया कि एक प्लॉट है वो 5 करोड़ रुपये FBR वैल्यू है, तो आप उस पर 2.5 करोड़ की एग्जम्पशन लेंगे। पीछे जो 2.5 करोड़ रह जाएंगे उस पर आप 1% टैक्स देंगे, और 1% टैक्स इस तरह नहीं देंगे, एक्चुअली लॉ में उसकी एक इनकम, रेंटल इनकम डीम की जाएगी जो उसकी 5% ऑफ दी वैल्यू के बराबर होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज करें एक प्लॉट है जो 1 करोड़ रुपए का है, तो उसकी जो डीम रेंट किया जाएगा एक साल के लिए वो 5 लाख किया जाएगा। वो 5 लाख रुपए पे 20% टैक्स लेंगे हम, तो वो 1% के बराबर हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपये टैक्स बनेगा। 5 लाख पे जब आप 20% लेंगे तो वो 1 लाख रुपए रेंट टैक्स बनेगा, तो इफेक्टिवली उस 1 करोड़ के प्लॉट पे आपने 1 लाख रुपए टैक्स लिया। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आपको लिख के दिया है कि इफेक्टिव टैक्स रेट जो होगा वो 1% होगा, मगर हमारे लॉ में हमें इनकम को डीम करना है और उस डीमिंग इनकम के ऊपर हम 20% टैक्स लगाएंगे, इसलिए इफेक्टिव रेट 1%। देखिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ अगर वो टैक्स अवॉइड कर सकते हैं तो हमें उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने बेटे के नाम पे कर रहा है। मगर अगर किसी ऐसे, आइडिया तो ये है कि जो वेल्थीएस्ट ऑफ द वेल्थी लोग हैं जिनके पास मिसाल के तौर पर 10 प्लॉट हैं या 15 प्लॉट हैं, तो देन दे शुड कम फॉरवर्ड एंड पे द टैक्स, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को ज़रूरत है। अभी हम गरीब आदमी पे टैक्स नहीं लगा सकते, अभी हमें वेल्थी और अफ्लुएंट लोगों को पे टैक्स लगाना है जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि एक तो आपने अपनी जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी है वो आपने एग्जम्पशन में ले ली, उसके बाद फ़र्ज करें कि आपके 2 प्लॉट हैं, तो उसमें से एक प्लॉट पे 25 मिलियन ले लिया, दूसरा प्लॉट जितने का है उस पर टैक्स देना आपने। हाँ, मतलब टोटल वैल्यू का 25 मिलियन आप कम कर लें इस तरह से। अच्छा, जो दूसरा ये प्रोविज़न हमारे पास ऑलरेडी है कानून में, जिसमें हम कैपिटल गेंस जो प्रॉपर्टी की सेल पर होता है उस पर हम एग्जम्पशन देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि 4 साल बाद उसको हम टैक्स फ्री कर देते हैं, तो हमने प्रपोज़ल ये दिया है कि उसको 4 से 6 साल कर दिया जाए, ताकि 6 साल के अंदर अंदर डिस्पोजल पे लोग टैक्स दें, और उसका टैक्स रेट जो है वो 15% है पहले साल में अगर बेच देंगे, दूसरे साल में अगर वो बेचेगा तो उस गेन पे 12.5% टैक्स देगा, तीसरे साल में 10, फिर 7.5, 5.5 और फिर 7वें साल में 0। मगर एट द सेम टाइम अगर वो घर बना के बेचता है तो उसकी 4 साल बाद एग्जम्पशन हो जाएगी, ताकि वो इंसेंटिवाइज हो कि वो कंस्ट्रक्शन करे। और एट द सेम टाइम अगर वो किसी फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी दूसरे साल ही उसकी एग्जम्पशन हो जाएगी। ये इसलिए है कि ताकि लोग वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाएं, जो इन्वेस्टर है वो वर्टिकल ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर अपने पैसे लगाएंगे, तो हमने पब्लिक बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की है ताकि लैंड जो है वो सेव हो सके और वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाए। नहीं, हमने कंसल्ट नहीं किया है, दिस इज़ अ लॉ विच वी हैव प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट विल टेक इट्स डिसीजन। जी जब आपकी मिल्कियत हो जाएगी उसके बाद जब आप डिस्पोजल करेंगे उस वक्त टैक्स लगेगा।
इसका चार्ट है अगर आपने देखना है वैसे तो, उसमें देखना है, देख लिया। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि जो लोग टैक्स पेयर नहीं होते हैं, नॉन एटीएम टैक्स पेयर नहीं होते हैं, वो अब इस वक्त जो है 2% पे टैक्स है। अगला मेजर ये है कि जब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की जाएगी तो इस वक्त 1% टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स को डबल करके आप 2% टैक्स को देंगे। उसके अलावा एक और जो प्रपोजल है वो ये है कि पाकिस्तानी जिनकी भी बाहर जायदाद है, मनकूला या गैर मनकूला, यानी मूवेबल एंड इमूवेबल, यानी लिक्विड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, उन सब पे वो 1% टैक्स देंगे और वो हर साल ये टैक्स देंगे। अगर ये इनकम टैक्स भी होता तो उसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर लेता ना, वो तो प्रोविजन है लॉ में, ट्रीटी में भी है। वो यहाँ भी टैक्स देगा तो यहाँ का रेजिडेंट है, अगर वो इनकम टैक्स दिया होगा तो क्रेडिट ले लेगा अंडर डबल टैक्स ट्रीटी, मगर ये सीबीटी के अगेंस्ट क्रेडिट नहीं लेगा। दिस इज द चार्ज बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट।